मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बी एड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट में हमारा आई सी टी, इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे इंटरनेट के उपयोग के प्रमुख। सबसे पहले हम देखते हैं तो वर्तमान समय में सूचना और संचार क्रांति के युग में अगर हम देखें तो इंटरनेट का बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। अगर हम देखें तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का या इंटरनेट का उपयोग नहीं होता। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इंटरनेट का उपयोग व्यापक रूप से उसके अंतर्गत वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो 2005 में विश्व की 84% जनता इंटरनेट का उपयोग नहीं करता था। मात्र अगर हम देखें तो 16% जनता ही क्या करती थी, इंटरनेट का उपयोग करती थी। परंतु अगर हम 2010 में 70% जनता इंटरनेट का उपयोग नहीं करती थी, 30% की जनता थी वह इंटरनेट का उपयोग करती थी। परंतु अगर हम देखें 2013 में 61% जनता इंटरनेट का उपयोग नहीं करती थी, तो 39% जनता इंटरनेट का उपयोग करती थी। ये सभी जो आंकड़े हैं वह विश्व की जनता के संदर्भ में बताए गए हैं, क्योंकि हमें इसमें याद होता है इन आंकड़ों को देखकर कि कितनी प्रतिशत जनता है जो उसका उपयोग करती थी। परंतु अगर हम आज देखें तो इंटरनेट का उपयोग बहुत ही मात्रा में किया जा रहा है। इंटरनेट के उपयोग से में वृद्धि सामान्य गति से हो रही है। अगर हम देखते हैं तो इंटरनेट के उपयोग के अगर व्यक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो 2005 में 51%, 2010 में 67%, 2017 में 73% थे। जबकि अगर हम देखें तो इंटरनेट का उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जा रहा था। और हम देखें तो इंटरनेट का प्रयोग विकासशील देशों की तुलना में तीव्र गति से बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं इंटरनेट के प्रमुख उपयोग हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग अनुप्रयोग। पहला जो पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग एक क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग व अनुप्रयोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य रूप में देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर से बालकों को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान किया जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो कंप्यूटर का अधिक उपयोग किया जा रहा है। कि अगर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो प्राथमिक स्तर से बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे जो बालक होते हैं वे इन शिक्षण कार्य को करते हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो उनकी शैक्षिक संबंधी जो भी समस्याएं होती है उसका निदान करने के लिए भी कंप्यूटर का या इंटरनेट पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सारे कार्य अगर हम देखते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से वर्तमान समय में जो शिक्षक है वह नवाचारी शिक्षण विधियों के माध्यम से बालकों को ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करवाता है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका की शैक्षणिक व्यवस्था की अच्छाइयों का ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो भारत में बैठा हुआ शिक्षार्थी इसे प्राप्त कर सकता है। किसके माध्यम से करता है, इंटरनेट के माध्यम से कर सकता है। अब जो सेकंड है वह है मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग।
मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग आम रूप से सबसे पहले हम देखते हैं तो वर्तमान समय में इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो इंटरनेट का जो उपयोग है वह मोबाइल के फोनों में बहुत ही अधिक उपयोग किया जा रहा है। जिसे अगर हम देखें तो इंटरनेट का जो उपयोग है वह दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम इंटरनेट का उपयोग हम देखते हैं तो हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो में के द्वारा गीत सुनते हैं, हम गेम खेलते हैं, ऑडियो गीत देखते हैं, पिक्चर देखते हैं या कोई चीज़ हमें डाउनलोड करनी होती है तो वो सब हम इसके माध्यम से करते हैं, जिससे हमारा मनोरंजन हो जाता है। इसी रूप में अगर हम देखते हैं तो मनोरंजन के लिए उपयोग में अगर हम जो चीज़ करते हैं तो हम किसी चीज़ को देख कर हम आसानी से हम इंटरनेट का उपयोग इसके माध्यम से कर पाते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है संप्रेषण के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग मोबाइल फोन के माध्यम से हम बातें करते हैं, या अगर हम देखें तो हम किसी भी चीज़ की सूचना प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई फ्रेंड है वह अमेरिका रहता है तो हम उससे इंटरनेट के माध्यम से हम उस अपने मित्र से बैठकर बातें कर सकते हैं, या हम वीडियो कॉलिंग के द्वारा उसके चेहरे के हाव भाव को भी देखने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, जिसमें अगर हम देखें इंटरनेट के माध्यम से हम कई व्यक्तियों को कॉन्फ्रेंस के आधार पर अगर हम उनसे बात कर सकते हैं या हम करें किसी प्रकार की मीटिंग भी हम उनके माध्यम से कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वह है यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग और यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार से होता है। तो अगर हम देखें तो वर्तमान समय में यातायात व्यवस्था में इंटरनेट का उपयोग काफी किया जा रहा है। जैसे अगर हम देखें तो कोई भी वाहन होता है उसके मालिक का नाम कहे कि हम कहे नंबर तो कंप्यूटर में फिट होता है, यदि हम कहें तो कहीं पर दुर्घटना हो रही है, अगर हमें किसी अपराधी को पकड़ना है तो हम उसके जो गाड़ी का नंबर होता है उसको हम पुलिस को सूचना दे देते हैं, जिससे जो पुलिस वाले होते हैं अगर उस नंबर के आधार पर व्यक्ति का पता आसानी से लगा लेते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो अगर हमें ट्रेन में रिजर्वेशन करवाना है, टिकट बुक करवानी है, वह भी हम इंटरनेट के माध्यम से टिकट को बुक करवाते हैं, जिसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर में काफ़ी सूची आ जाती है कि कौन सी ट्रेन है, कितनी सीट खाली है या नहीं है, कि भी जो ट्रेन है वह चल रही है, उसकी जानकारी हमें किसके माध्यम से होती है, इंटरनेट के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये था